हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब? आप सभी को मेरा नमस्ते और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टी द लिटिल ब्लॉगर में। आप सोच रहे होंगे कि आज का ब्लॉग मैं अकेले शुरू क्यों कर रही हूँ और हमारी मिस्टी जो कि लिटिल ब्लॉगर है वो कहाँ पे है। दरअसल आज मिस्टी सो रही है अभी, तो आज का व्लॉग मैं अकेले ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है 8 मई, 8 मई यानी मदर्स डे। तो आप सभी को, जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, या जो माँ बनने वाली हैं या बन चुकी हैं, उन सभी को मेरी तरफ से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। साथ ही मैं बच्चों को भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं या डांटते हैं तो आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए, क्योंकि उनकी डांट में भी उनका प्यार ही छुपा हुआ रहता है। तो उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानिए और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। और यही सबसे बड़ा अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट है, अपनी माँ के लिए गिफ्ट है। आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप उनको प्यार करें, उनका सम्मान करें। हर माँ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है, और सबसे बड़ा गिफ्ट यह तोहफा ये है कि आप अपनी माँ की बातों को सुने, समझे कि आपकी माँ आपको क्या कह रही है। कभी कभी माँओं को भी पैम्पर करना बनता है, क्योंकि मम्मियाँ तो हमारी हमेशा हम लोगों को पैम्पर करती हैं, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो कभी कभी अगर हम भी अपनी माँओं का ध्यान रखें, उन्हें पैम्पर करें तो अच्छा लगता है। तो चलिए ये बात तो हो गई, पर क्या आपको पता है कि मदर्स डे की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? तो चलिए हम इस बात पे भी थोड़ी सी, इस टॉपिक पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि इस बार का जो मदर्स डे था वो 8 मई को पड़ा था, यानी से मई के सेकेंड संडे को। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि हर साल मदर्स डे मई महीने के दूसरे संडे को, यानी इतवार, या फिर आप कह सकते हैं रविवार को मनाया जाता है। मेनली इसकी शुरुआत तो सन 1914 में शुरू हो गई थी। एक्चुअली इसकी शुरुआत की थी एना जार्विस नाम की एक अमेरिका महिला ने, जो कि अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो अपनी माँ को अपना आइडियल मानती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि सुपर हीरो मानती थी। तो इसलिए उन्होंने उनकी मौत के बाद मदर्स डे की शुरुआत की, और उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, और वो उन्होंने अपना पूरा लाइफ, अपना पूरा जीवन अपनी माँ के सपनों को पूरा करने में लगा दिया। तो पहले तो इसकी शुरुआत सन 1914 में 9 मई को हुई थी। फिर उसके कुछ समय बाद इसे शिफ्ट करके मई महीने के दूसरे रविवार को कर दिया गया, यानी कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाएगा जी। और मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता था तो अभी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आगे का ये वीडियो कंटिन्यू करती हूँ मैं तो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। इसके साथ ही मैं आपको अपने अगले वीडियो की भी जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूले, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ी बात। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ, या कह सकते दिखाने वाली हूँ, एक सीक्रेट खजाना। जी हाँ, मेरा छिपा हुआ खजाना जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है, और सबसे पहले देखेंगे आप। जी हाँ, सबसे पहले देखेंगे आप मेरे व्यूवर्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ये जानकारी अच्छी लगी
तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। ये मैंने अपनी बेटी यानी कि मिष्टी के लिए ऑर्डर किया था, जो आपको पीछे वॉल पे दिख रहा होगा। सॉरी, थोड़ा ये सेल्फ कैमरे की वजह से आपको उल्टा दिख रहा है। एक मिनट, मैं बैक कैमरा चालू करती हूँ। ये तो ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, और उस समय ऑफर चल रहा था, तो ये मुझे मिला था 80 रुपीज़ में। तो है ना, फायदे का सौदा। एक्चुअली मेरी बेटी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है देखना, और बार बार आके यहीं पे खड़ी हो जाएगी, और फिर टीचर का रोल प्ले करके पढ़ाएगी सबको, हेलो बच्चों, ये क्या है, ये क्या नहीं है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो आप भी ऐसा कुछ खरीद के अपने वॉल पे या कहीं पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे खेलते हों। तो इससे बच्चों का एजुकेशन भी होगा, साथ ही साथ बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा और उन्हें मज़ा भी आएगा। तो एक तो ये हो गया। ये यहाँ पे मिष्टी लगी है, ऑरेंज का छिलका उतारने में लगी हुई है, और अपने से छिलका उतार कर खाने की कोशिश कर रही है। तो मिष्टी, क्या कर रही हो बताओ, मामा को क्या कर रही हो? अच्छा, ये क्या है जो आपने लिया है? एक्चुअली ये मिष्टी का चाकू है, जिसने चाकू पकड़ा है हुए हाथ में, और इसी चाकू से वो संतरे का छिलका उतारने की कोशिश कर रही है। से वो घर पे देखती है मम्मी को सब्जी वगैरह काटते हुए चाकू से, तो वैसे ही वो भी कर रही है। तो ये हालांकि ये चाकू प्लास्टिक का है, पर वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस ऑरेंज से सारा छिलका उतार दे और इसको खा सके। और जैसे कि आप मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पसीना आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। हम लोग जहाँ रहते हैं वो बहुत ही छोटी जगह है, और यहाँ पे गर्मियों में लाइट जाना एक नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, इसलिए मेरे चेहरे पे स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ मुझे आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसे देखना ना भूले, और आगे भी देखते रहें। मैं आपके लिए नए नए कुछ वीडियो ब्लॉग्स लेके आती रहूँगी। एक्चुअली आज मिष्टी सो रही है, इसलिए मैं उसे आपसे नहीं मिलवा पा रही हूँ, और आज ऐसा कुछ इंटरटेनमेंट फनी वाला चीज़ नहीं हुआ है। पर फिर भी नेक्स्ट व्लॉग में, तो मेरा अगला व्लॉग देखना ना भूले, जिसमें मैं रिवील करने वाली हूँ अपना बहुत बड़ा खजाना। जी हाँ, मैं आप सबको बताने वाली हूँ अपना बहुत ही सीक्रेट खजाना, जो मैंने अब तक छुपा कर रखा है, पर मैं वो आपको दिखाने वाली। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं।